नमस्कार, स्वागत है आपका राजनामा टीवी में। मैं हूं आपके साथ का। अगस्त में खाद्य वस्तुओं में महंगाई, देश में खुदरा महंगाई दर में एक बार फिर बढ़त देखने को मिली है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी किए गए अगस्त माह के आंकड़ों के मुताबिक CPI बढ़कर 7% हो गई है। यह जुलाई में 6.71% थी। महंगाई में बढ़त खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी आने के कारण हुई है। आंकड़ों के अनुसार अगस्त में खाद्य वस्तुओं में महंगाई 7.62% रही, जो जुलाई में 6.69% और अगस्त 2021 में 3.11% थी। अगस्त में ग्रामीण महंगाई दर 7.15% और शहरी महंगाई दर 6.72% रही। जुलाई के महीने में ग्रामीण महंगाई दर 6.80% और शहरी महंगाई दर 6.49% थी। यह लगातार 8वां महीना है जब CPI और RBI ने की ओर से तय किए गए महंगाई के ब्रैंड 2 और 6% के ऊपरी स्तर पर अधिक बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक को मार्च 2026 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए खुदरा महंगाई दर को 4% पर 2% के मार्जिन के साथ बनाए रखने का आदेश दिया है। अगस्त माह में चावल के दाम बढ़ने से अनाज की खुदरा कीमतों में 9.57% का इजाफा हुआ है। खुदरा महंगाई दर में अनाज का भाग 12.35% है। वहीं सब्जी की खुदरा कीमतों में अगस्त माह में पिछले साल अगस्त के मुकाबले 13.23% की बढ़ोतरी रही। अगस्त माह में सिर्फ अंडे के दाम में पिछले साल अगस्त के मुताबिक 4.57% की गिरावट रही। धन्यवाद, लगातार बनी रही है राजनामा टीवी के साथ।